खुद से प्यार करना। जो खुद से प्यार नहीं करता वो किसी और से भी प्यार नहीं कर सकता। आपने भी कहीं ना कहीं ये लाइन सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खुद से प्यार करना इतना ज़रूरी क्यों है? पहले खुद से प्यार करो, सिर्फ कहने की बात नहीं है बल्कि यह खुशहाल ज़िंदगी जीने का एक खूबसूरत रास्ता है। कई लोग होते हैं जो खुद को बिल्कुल बेकार समझते हैं। उन्हें यही लगता है कि उन्हें कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ गलत हो जाए तो खुद को जिम्मेदार ठहराते हैं। उनके मन में खुद के लिए इतनी नकारात्मकता इसलिए है क्योंकि वो खुद से प्यार नहीं करते। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्व खुद को ही देते हैं। उन्हें अपने आगे कोई नज़र नहीं आता, उन्हें सिर्फ अपनी ही खुशी से मतलब है। ये वे लोग होते हैं जो खुद से कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं। अपने आप से इतना प्यार भी हानिकारक है, लेकिन कुछ हद तक अपने लिए अच्छी भावनाएं रखना बहुत ज़रूरी होता है। कई शोधों में भी साबित हो चुका है कि अपने आप से थोड़ा प्यार कर लेने से कई फ़ायदे होते हैं। चलिए आज करते हैं इन्हीं फ़ायदों पर बात। खुद से प्यार करना, प्रदर्शन में सुधार। यदि कार्यक्षेत्र या शिक्षा के क्षेत्र में प्रदर्शन की बात करें तो अपनी काबिलियत पर विश्वास रखना आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। जब आप सोचते हैं कि यह काम मेरे लिए कठिन है या मुझ में इसे करने की खूबियाँ नहीं हैं तो आप फेल हो जाते हैं। लेकिन जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप अपने बारे में सकारात्मक विचार रखते हैं। स्थिति में हर चुनौती आपको आत्मविश्वास से भर देती है और आप उसे पार पा जाते हैं। ख़त्म होता है हार का डर। जब आप खुद से सहानुभूति रखते हैं तो आप किसी हार के लिए खुद को नहीं कोसते हैं। आप समझने लगते हैं कि हारना या गिरना सफ़र का हिस्सा होता है। आप इस हार से सीख लेकर आगे बढ़ते हैं। ऐसा करने से एक असफलता के बाद आप में सुधार होता है और अगली बार आप दोगुनी सफलता हासिल कर पाते हैं। एक तरीके से आपकी एनर्जी खुद की आलोचना करने के बजाय खुद के सुधार लाने में खर्च होती है। कमियों के साथ भी सहज। खुद से प्यार करने का मतलब खुद को परफेक्ट समझना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यह अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके खुद के लिए सकारात्मक विचार रखना है। स्थिति में आप अपनी शारीरिक कमियों को लेकर रोना ना खुद से नफरत करने के बजाय उनमें खूबसूरती ढूंढने लगते हैं। साथ ही अपने व्यक्तित्व की कमजोरियों पर आप शांत चित्त से काम करते हैं। तनाव होता है कम। अगर आप अपनी मौजूदा स्थिति पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि आप किसी गलत परिस्थिति की वजह से नहीं बल्कि उस परिस्थिति को गलत तरीके से डील करने की वजह से ज़्यादा परेशान हैं। सकारात्मकता हमेशा तनाव को कम करने में सहायक होती है। अगर वैज्ञानिक भाषा में बात करें तो जब आप खुद की आलोचना करते हैं तो आपके शरीर से तनाव को बढ़ाने वाले हार्मोन्स निकलते हैं, जबकि सकारात्मक विचार रखने से खुशी उत्पन्न करने वाले हार्मोन्स निकलते हैं। रिश्ते होते हैं बेहतर। जब तक आप खुश नहीं होंगे आप सामने वाले को कैसे खुश रख पाएंगे? प्यार, खुद से प्यार और सहानुभूति रखने से